ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हमें कुछ प्रॉप्स ऐड करने हैं हमारे सीन्स के अंदर, बिकॉज अगेन दिस इज सपोज टू बी अ स्ट्रीट सीन. तो एनिमेशन के स्टार्ट से एंड तक हमें यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ और इस तरह के कुछ लोग दिखाने हैं. बहुत ज़्यादा क्राउड मैं नहीं दिखाऊंगा अगेन, बिकॉज है जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा उसको मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता है. और क्योंकि इसको मुझे जल्दी वाइंड अप करना है, तो आई जस्ट नीड फ्यू बेसिक, टू थ्री कार्स रैंडमली आती जाती हमने दिखानी है, एक आधी बस फॉर एग्जाम्पल. तो उसके लिए बेस्ट चीज़, यू कैन मॉडल इट आउट, लेकिन अब मैं मॉडल नहीं कर रहा, तो आई कैन गो इन टू अ वेबसाइट कॉल्ड टर्बो स्क्विड. वेरी नाइस वेबसाइट, काफ़ी सारी रिसोर्सेज हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं. मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ऑल्सो फ्री एज वेल. सो वट यू कैन डू इज के कम ऑन टू दिस वेबसाइट, एंड इफ यू सर्च फॉर लो पॉली कार, तो देर आर वेरियस डिफरेंट कार्स अवेलेबल दैट यू कैन यूज़ फॉर योर प्रोजेक्ट. ओके, डिपेंडिंग ऑन हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू इट. फॉर मी, आई मैं वेरी क्विकली बेसिकली दिस इज वन फ्री कार मॉडल विद दैट हैज़ टू थ्री थिंग्स, जिसमें बस, कार, ट्रक वगैरह दो चार चीज़ें हमारे पास बड़ी आराम से आ जाती हैं. सो आई हैव डाउनलोडेड दिस एंड आई हैव दैट अवेलेबल इन मी विथ मी. कहाँ गया माया मेरे भाई, एंड हियर वी गो. खुल जा सिम सिम. ओके, सो बेसिकली ये पांच छह डिफरेंट कार्स हैं. तो व्हाट वी विल डू नाउ इसके मैं इन तमाम गाड़ियों को अलग अलग करके और हम सीन में रख देंगे, और फिर वी विल ट्राई टू एनिमेट. अब एनिमेशन में अगेन हमें सिर्फ ख्याल रखना है कि जब कैमरा मेरा स्ट्रीट व्यू या फोकस व्यू दिखा रहा है, तो हम गाड़ियों को चलते हुए दिखाएं या और उस हिसाब से इसको प्लान करें. सो बेसिकली दीज आर सेवन एट डिफरेंट कार्स. अब लो पॉली हैं, अब एज यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक मैंने कहा कि हम डिपेंडिंग ऑन योर सीन रिक्वायरमेंट आप अपनी मर्जी से कोई भी गाड़ी यूज़ कर सकते हो. फॉर मी दिस जस्ट वर्क्स फाइन एंड आई विल जस्ट सिंपली शो दैम इन द बैकग्राउंड एनी वे. तो ये हमारे पास गाड़ियाँ आ गई. वॉट आई विल डू इज के फाइल सेव दिस एज सेव सीन एज एंड वी विल गो इन टू अवर प्रोजेक्ट. उसको मैं जो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर सेव कर दूंगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ऑब्वियसली. एंड लेट मी जस्ट गो इन टू द प्रॉप्स एंड यहाँ पे हम दे देंगे फॉर एग्जाम्पल लो पॉली कार्स. ओके, एंड देयर वी गो. कार्स, व्हीकल्स, एक्चुअली जो नाम आप उसको देना चाहो यू कैन डू दैट. एंड दिस इज व्हाट वी हैव अवेलेबल. इसके अंदर आई एम अज्यूमिंग के जो बॉडी है पूरी सिंगल बॉडी इस तरह से हमारे पास अज्यूम दी हुई है, और हमने इनको सिंपली एनिमेट करना है. मैं अभी कार रिग वगैरह या कार मोशन उसके ऊपर नहीं जा रहा, वो होल लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरी. यू विल जस्ट टेक इट एन ऑब्जेक्ट एंड वी वुड एनिमेट दैम इंडिविजुअली. ठीक, सो वंस वी हैव दैट वी विल गो बैक इन टू अवर माया सीन. स्पेस बार टू मैक्सिमाइज दिस व्यू. ऑब्वियसली आई विल कम बैक इन टू माई चैनल बॉक्स. खुल जा सीधे से. मेरे पास तीन चार चीज़ें चल रही हैं, तो माया आपका हैंग होना शुरू हो जाता है. डू मेक श्योर दैट अगेन आई हैव चेंज टू डिफरेंट पीसीज, इस पर नहीं चल रहा. फाइनली इस सिस्टम पे जाके मैंने इसको अपने को माया को इस काबिल बनाया कि भाईजान वो मेरे चलने की सलाहियत रखे, अदरवाइज वो चल ही नहीं पा रहा था. हैव वी गो. खुल जा, इसको बंद करो, ये क्यों खुल गया. ठीक, आई विल गो बैक इन टू माई चैनल बॉक्स. क्यों नहीं आ रहा भाई चैनल बॉक्स, मेहरबानी आपकी. मॉन्स्टर को फ़िलहाल हम हाइड कर देंगे. ऑल बिल्डिंग्स को हमने हाइड कर दिया ताकि वो चीज़ मुझे नज़र ना आए, और थोड़ा सा व्यू पोर्ट हमारा इजीली मैनेज हो सके. और अगेन सिर्फ रोड्स हमें नज़र आ रही हैं, सो नाउ आपका थोड़ा सा व्यू पोर्ट होपफुली शुड बी अ वेरी इजीली मैनेज्ड एज फार एज वी आर कंसर्न. ठीक, वंस वी हैव दैट डन, अगेन मेरा ह्यूमन कैरेक्टर जो है भाई वो भी अभी यहाँ पे बजाते खुद मौजूद है. इसको हमने किसी लेयर में नहीं डाला हुआ, तो वी कैन डू दैट कि वी कैन सेलेक्ट दिस कैरेक्टर, सेलेक्ट द बॉडी एंड सेलेक्ट द हेयर. ठीक है, इसी तरह से उसके टीथ अप एरो प्रेस कर देंगे ताकि उसके पूरे कैरेक्टर का जो सेटअप था वो सेलेक्ट हो जाए. वी कैन क्लिक ऑन दिस लेयर एंड इसको नाम दे देंगे. फॉर एग्जांपल मेरा अकबर नाम था आई बिलीव, अकबर अंडरस्कोर LYR लेयर. क्लिक ऑन सेव एंड इफ आई क्लिक ऑन दैट, तो अकबर भाई भी हमारे गायब हो गए. सो दैट विल एक्चुअली फास्टन योर व्यू पोर्ट अ लिटिल बिट. देन फाइल, और फिर हम सिंपली इम्पोर्ट कर देंगे हमारी गाड़ियों को इसके अंदर. एंड प्रॉप्स एंड आई कैन गो इन टू लो पॉली कार्स, हिट इम्पोर्ट. आई एम अज्यूमिंग कि गाड़ी हमारी इंपोर्ट हो जानी चाहिए. गुड शॉट भाईजान. आई थिंक माया हमारे पास सिस्टम को हैवी किए जा रहा है. ओके, इफ़ आई प्रेस सिक्स, जस्ट चेक करें कि आपका टेक्सचर्स इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि हमने इम्पोर्ट किए हैं तो समटाइम्स इशूज़ कर सकता है. सेकेंड थिंग, टेक्सचर्स जो हैं वो अभी भी किसी और लोकेशन पर होंगे, सो मे बी आप लोगों के पास नज़र ना आए. सो वट आई विल डू इज़
कि आई विल क्लिक ऑन दिस एंड मेक श्योर कि मैं टेक्सचर्स जो हैं वो इसके ऊपर सेट करके कॉपी करके रखूँ. ओके सो टेक्सचर्स तो हमारे पास आ गए. नेक्स्ट थिंग वी विल व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इसके टेक्सचर्स को जो था वो भी हमारे प्रोजेक्ट के सोर्स फोल्डर के अंदर कॉपी कर दिए हैं. ठीक है, सो वी हैव अ प्रोजेक्ट्स सोर्स फोल्डर एंड लो पॉली यहाँ पे आ गया. लेकिन अगर इफ आई कम इनटू दिस और इसके राइट क्लिक करके हम आ जाते हैं मटेरियल एट्रीब्यूट्स में. आ जाओ मेरे भाई, क्यों माया इतना हैवी हो गया. राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ठीक, तो कलर एंड अरे यार मटेरियल कलर, और कलर को हमने मैप पे क्लिक कर दिया. एंड वी हैव अ लो पॉली कार सिटी एफ बी एम एंड दिस इज सम अदर डिफरेंट फोल्डर. सो मेक श्योर आप इसको जो है ना फोल्डर का पाथ करेक्ट कर दें क्योंकि आगे चल के उस तरह रेंडरिंग में फिर ये हमारे साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट पाथ दैट आई हैव. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो इनटू माय सोर्स इमेजेस एंड आई हैव अ लो पॉली कार एंड दिस इज कार 03 एंड तो हमने कार 03 को यहाँ से सेलेक्ट करा दिया. सो दैट शुड एक्चुअली बी जो बेसिकली इन अदर वर्ड्स मटेरियल्स हमें नज़र तो आ रहे हैं लेकिन वो नहीं है. नेक्स्ट टाइम सेव करके आप ओपन करोगे तो आपको मटेरियल्स गायब हो जाएंगे. तो ये अक्सर एक प्रॉब्लम भी नज़र आती है हमें. अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हमने टेक्सचर असाइन किए, फाइल बंद की, जब दोबारा खोला तो टेक्सचर्स नहीं थे. एक्चुअली फाइल हमने कहीं और सेव की थी, फिर वहाँ पे रीओपन किया, सेव एज करके कहीं और सेव किया, तो पाथ उसका जो लिंक है वो टूट जाता है. सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप उसको पाथ दें. क्योंकि हमने प्रोजेक्ट सेट किया हुआ है तो माया नेक्स्ट टाइम ढूंढेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही देखो. तो देखो इसके शुरू में कोई सी ड्राइव डी ड्राइव नहीं लिखी हुई, तो ये रिलेटिव पाथ कहलाता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसी के अंदर सोर्स इमेजेस के अंदर वो कार के अंदर ही आपके टेक्सचर फाइल पड़ी है. तो ये पाथ मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर दिया. सेम थिंग एक्चुअली आई विल डू विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स कि इनके सब के मटेरियल एट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे और शुरू के पाथ को देखो. ये जो इनिशियल जी ड्राइव माई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसको कॉपी करके ये हमने कर दिया प्रेस एंटर एंड दैट शुड जस्ट ब्लिंक एंड आपका पाथ रीसेट हो जाएगा. ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम इन सबको थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि इसको फिर हम मुख्तलिफ अवकात में गाड़ियों को दिखाते रहें कि यार हाउ बेसिकली दे आर गोइंग. और फिर इस पर मैं एक या तो हम मोशन पाथ लगा देंगे कि गाड़ी जो है आपकी वो एक पाथ के ऊपर कंटिन्यूसली चलती रहे एंड वो लूप में फिर हमें लगेगा कि यार मुझे बार बार एनिमेट नहीं करना पड़ेगा. आई थिंक दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. ओके एंड सी का ठीक. इसी तरह से जो बस आ गई, इस बस को भी हमने सेलेक्ट किया, ये पाथ में चले गए, शुरू के पाथ को सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी, सोर्स इमेजेस लो पॉली कार टेक्सचर हमने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया था, वो बस हम पेस्ट करते चले जाएंगे और प्रेस एंटर. तो आपका पाथ बेसिकली टेक्सचर्स का अपडेट हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल अब जब आप भी इस लोगों इस प्रोजेक्ट को खोलेंगे एंड इफ यू हैव दिस पाथ सेट तो आप लोगों को टेक्सचर्स होपफुली करेक्ट सब चीज़ों को नज़र आने चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं. तो ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक श्योर कि आपने फाइल में जाके प्रोजेक्ट सेट किया हुआ हो अपना सही से, तो एन यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम और टेक्सचर्स वगैरह नज़र आएंगे क्लियरली. सो इफ आई कम बैक हियर एंड इन सबको आप इस तरह से सेट कर दें. अगर आपके पास प्रोजेक्ट कभी भी या किसी इस ये प्रोजेक्ट हुआ या कोई और प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं टेक्सचर नज़र सही नहीं आ रहे, मेक श्योर कि आपने उसके पाथ जो था वो सेट दिया हुआ. सो वंस वी हैव दैट फैंटास्टिक. अब ये गाड़ी सेलेक्ट की, मॉडिफाई में गए, आई मेक श्योर के सेंटर पिवट किया हुआ हो ताकि पिवट पॉइंट भाई का मेरे पास सेंटर पर हो. एंड अगेन इस टाइम इनके बहुत बड़े बड़े सेट किए हुए हैं. सो व्हाट आई विल डू इज के गो इनटू विंडो आउटलाइनर, बहुत बड़ी बड़ी समझिए मॉडल साइज बहुत बड़ी बड़ी सेट की हुई है, सॉरी. सो गो इनटू दिस और यहाँ पे लो पॉली कार जो थी इन तमाम को हमने सेलेक्ट किया. लो पॉली कार्स, फिजिकल स्काई वगैरह सब सेट किया हुआ है. आई डोंट नो वेदर आई शुड बी गोइंग फॉर दैट और नॉट. फॉर नाउ ये ग्रुप वगैरह इसको हम डिलीट कर देते हैं. एंड और कोई मेरे पास ऐसे इसकी कोई नोट तो नहीं है, डन. तो ये लो पॉली सारी कार्स को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी करके हमने ग्रुप कर दिया एंड उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया कि यार तुसी जो हो वो लो पॉली व्हीकल्स जीआरपी हो जाओ. ठीक है, सो वंस वी हैव दैट और फिर हम इसको अगेन मॉडिफाई सेंटर पिवट ताकि सबके पिवट पॉइंट सेंटर पर हो जाए और अब इसको हम स्केल कर देंगे नीचे. थ्रू टू 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 डब्ल्यू, इसको वापस ले आओ इधर. एंड अगेन ये सब हवा में अब हो गई होंगी क्योंकि स्केलिंग हमने ऐसे की है. प्रेस एफ और इसको अभी भी बहुत बड़ी है तो आर प्रेस कीजिएगा एंड देन अगेन स्केल इट डाउन ताकि एक्चुअली गाड़ियाँ जो हैं आपकी मॉडल और मैश के हिसाब से
विजिबल हो जाए। एक बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपने ह्यूमन कैरेक्टर रखा हुआ है सीन के अंदर, तो जस्ट मैच द प्रोपोर्शन ऑफ द व्हीकल्स विद द कैरेक्टर, तो ऐसा ना लगे कि आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल बहुत छोटी हो गई और जब आप इसको ह्यूमन के सामने ले आए तो ये फिर मॉन्स्टर सा लुक देने लग गए, तो और या फिर आपने उसको इतना बड़ा कर दिया कि आपका जब ह्यूमन कैरेक्टर आया तो वो एक्चुअली इस गाड़ी के सामने फिर दूसरा लगने लग गया। सो वी जस्ट हैव टू मेक द थोड़ा सा एक प्रोपोर्शन सही से रखना होता है। अगेन हमने क्योंकि मॉडल नहीं की है तो हमने ज़्यादा इसके साइज़ का इसका नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा कि इस गाड़ी को यहाँ पर ले आए और इसको उठाया और इसको हमने यहाँ पर ला के रखा, एंड इफ़ यू नाउ मेजर तो मेरे हिसाब से रफली दोनों का साइज़ सही लग रहा है। अगर ये गाड़ी है तो ह्यूमन कैरेक्टर जो है थोड़ा सा इस हिसाब से इज़ नॉट बैड, ठीक है, थोड़ा सा बल्कि इसको और बड़ी कर लेते हैं, ठीक। अगर ये गाड़ी फुटपाथ के हिसाब से यहाँ पे खड़ी है, सॉरी, तो अगर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो कैरेक्टर उसका ऑलमोस्ट 6-6.5 फीट के हिसाब से दिस वुड बी अ स्टैंडर्ड साइज़ फॉर कार, और उस हिसाब से फिर बस वगैरह जो हमारी ठीक है जी, परफेक्ट। तो व्हाट वी डू इज़ कि वी सेलेक्ट दिस कार और इसको उठाया, रोटेशन मार दी हमने, अब इंडिविजुअल कार को उठा के हमने यहाँ पे ला के रखा। अब इसको मैं मैन्युअली मूव करवा सकता हूँ गाड़ियों को सीन के ऊपर, मैन्युअली कर लेते हैं और मोशन पाथ दोनों से कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाए। सो फॉर एग्जांपल हमने एक गाड़ी उठाई है, ऑब्वियसली द मोशन हैज़ टू गो इन अ लूप, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि 10-12 फ्रेम करके फिर उसको हम लूप कर देंगे ताकि गाड़ियाँ हम आपके जैसा लगे कि कंटिन्यूसली ट्रैफिक मूव होती रह रही है। सो इस गाड़ी को उठाया, रोटेशन हमने कर दी यहाँ से, और लूप ऐसे कर देंगे ताकि गाड़ी हमें मूव होती हुई नज़र आए और हम ऐसा लगे कि यार वो ब्रेक मोशन जो है वो ब्रेक होता हुआ ना हो। तो ये गाड़ी इधर आ गई, राइट क्लिक किया, इसको उठा के अगेन हमने रोड के हिसाब से होपफुली सेट कर देंगे हम, एंड जस्ट लाइक दैट, ठीक। तो इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, जस्ट लाइक दैट, परफेक्ट। और इसके मोशन को हम 0 फ्रेम पर चले गए, अगेन अब कार जो आपकी मूव होगी उसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ा सा हमें मद्देनज़र रखना है कि जब 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि जुम 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 यूँ हो जाए, ऐसा ना लगे कि गाड़ी बहुत स्लो जा रही है, थोड़ा सा स्पीड नेचुरली हमें रखनी पड़ती है। तो हमें पता है कि गाड़ी अगर 70 माइल्स या अगर ये रोड है तो फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, तो उस हिसाब से मैं अगर एक फ्रेम के ऊपर जाऊँ तो आई विल जस्ट सिंपली से कि 1 और फिर 20 सेकेंड पर जो है गाड़ी हमारी मीन्स 1 सेकंड होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब यहाँ पे क्योंकि यूनिट्स और उस हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं है तो मैं एक रैंडम सा फॉर्मूला लगाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेटली 20, क्योंकि हम 20-20 का ही साइकिल चलाते आ रहे हैं, थोड़ा सा सही नहीं है लेकिन बहरहाल, तो 20 फ्रेम्स में उस बंदे ने या 20 से फॉर एग्ज़ाम्पल 60 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में उसने ये 100 मीटर डिस्टेंस जो था यहाँ से ट्रैवल किया। प्रेस एस, ये गाड़ी हमारी यहाँ पर आ गई, एंड देन उसने 1 सेकंड लिया है गाड़ी को यहाँ पे आई और फिर उसने टर्न करने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है कि यहाँ पे ये चीज़ सही लग रही कि नहीं लग रही। सो यहाँ पर आए, इधर आए और उसने ये हमारे पास टर्न किया, एंड देन 80 90 100, अगेन 1 सेकंड उसने और लिया, क्योंकि यूजली यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी टर्निंग के अंदर स्लो हो जाती है, तो वी जस्ट हैव टू वॉरी अबाउट दैट कि जब वो यहाँ पहुँची तो इस तरह से और थोड़ा सा वो आगे आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास गाड़ी का टर्निंग इफेक्ट आ गया, ठीक है। 100 पे जब यहाँ पहुँची तो अगेन हमने 60 फ्रेम्स में इसको दिया था तकरीबन ये 100 मीटर, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको तकरीबन 80 या 100 फ्रेम्स हम दे देते हैं कि ये गाड़ी जो हमारी पास है 100 फ्रेम्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुँचनी चाहिए। कंट्रोल एस, तो ये चीज़ इस तरह से आ जाती है, ठीक है। हाँ परफेक्ट, एंड देन क्योंकि इसको लूप में हमें दिखाना है तो 100 और फिर 100 से समझो 300 फ्रेम्स, 100 और 20, एक फ्रेम के अंदर यहाँ पहुँचने के बाद गाड़ी ने जो था टर्न मारा वो यहाँ पे आ जाए कुछ इस तरह से, ठीक।
एस और फिर तकरीबन एक सेकंड और उसने लगाया, गाड़ी को यहाँ पे आ गई और वो थोड़ा सा इस तरह से ओके एस, तो लेट मी जस्ट चेक दैट, तो यहाँ पर आई, फिर उसने आके ये हमारे पास टर्न मारा, फिर यहाँ से वो इस फ्रेम 60 फ्रेम्स तक वो जानी, अगेन होपफुली दिस मोशन शुड नॉट बी विजिबल, तो ये तकरीबन 40 से 300 तक वो यहाँ पहुँची, यहाँ पर आई और उसको हमने एस प्रेस कर दिया, तो ये मेरे पास गाड़ी का मोशन आ गया इधर, और फिर 3 से लेके 340 2 सेकेंड 360 3 सेकेंड तक ये जो गाड़ी थी मेरी, अब क्योंकि ये मेरे सीन कैमरा के अंदर नहीं है तो व्हाट आई विल डू जस्ट रोटेट दैट और इस गाड़ी को उठा के हमने यहाँ पहुँचा दिया। साठ फ्रेम्स में इनफैक्ट पूरा इधर एस, तो ये इधर से उड़ती हुई गाड़ी यूँ निकल गई, ठीक है। और फिर इनिशियली जब ये गाड़ी यहाँ पे थी ज़ीरो पे, तो फिर यहाँ पहुँचने के बाद 360 वापस उसी पोस्ट पे एक्चुअली मुझे लेकर आना है, थोड़ा सा इसको 60 और 70 10 सेकंड और ले लेते हैं, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली वहाँ पे नहीं रख रहा, 10 सेकंड का गैप दिया और इस 10 सेकंड में गाड़ी वापस समझो 10 फ्रेम्स के गैप के हिसाब से कार वापस यहाँ पे आके पहुँची एंड उसके बाद यहाँ पे गई। सो दैट शुड बेसिकली क्रिएट अ वेरी नाइस साइकिल फॉर अस। वंस वी हैव दैट वी विल अगेन गो इन टू पैनल्स सेव लेआउट्स एंड हाइपरग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर कार, ठीक है। इस पूरे कार का ही हमारे पास मोशन आ गया, होपफुली दिस शुड बी गुड इनफ साइक्लिक मोशन। तो पूरे एनिमेशन कर्व्स को सेलेक्ट करते हुए मैं आ जाऊंगा कर्व्स में, पोस्ट इन्फिनिटी प्री इन्फिनिटी, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब पो, कर्व साइकिल। अब हम क्या करेंगे कि एक हमने पूरा मोशन दिया जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई वापस घूम के वहां पहुंची, और फिर मैं इसको साइकिल लगा दूंगा। तो अब ये एक्चुअली कर्व आपके एनिमेशन जो कर्व होगा, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कर्व को डिस्कस किया हुआ है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट ये कर्व ऑटो जनरेट हुआ। माया क्या करेगा कि इस पॉइंट के बाद इस कर्व को वापस साइकिल मोशन दे देगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी बेसिकली रिपीट होती रहेगी। तो अगर जैसे पंखा है, टायर है, या इस सेंस में गाड़ी है, तो बेसिकली उस चीज़ में वो घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। तो हमें एक दो एनिमेशन अगर फ्रेम्स आगे की भी जो आएंगी, तो बेसिकली वो कार आपको उस एक पैटर्न पे लगेगा यार गाड़ी मूव हो रही। तो इस तरह से 3-4 गाड़ी हम रैंडमली रख देंगे, तो वो फिर हर थोड़ी थोड़ी फ्रेम के बाद आपको एक गाड़ी नजर आती रहेगी और आपको मैन्युअली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी। सो व्हाट आई डू इज कम हियर कन्फिनिटी और इसको मैं साइकिल लगा दूंगा। हाउ दिस साइकिल इज गोइंग टू बी, वी वुड हैव टू एडमायर इट आवर सेल्फ। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 1000 फ्रेम्स तक ले गया एनिमेशन को, ठीक। एंड वी हिट प्ले, सॉरी वी हिट प्ले, तो ये गाड़ी आपकी इधर गई घूमी, सॉरी 100 फ्रेम्स हो गए, 1000 नहीं हुए, सॉरी नाउ अगेन 1000 हुए, गाड़ी आपकी घूमी एंड वो आपके आहिस्ते आहिस्ते से घूमती भी जा रही है। ये कैरेक्टर यहाँ से टर्न हुआ, मॉन्स्टर गया, मॉन्स्टर यहाँ पे आया, तब तक गाड़ी पीछे गई, वो मॉन्स्टर यहाँ पे चीख रहा चिल्ला रहा है, गाड़ी उड़ती हुई वापस यहाँ पहुँची और ये चीज़ इधर से आई, मॉन्स्टर आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर व्यू में हमें नज़र आएगा कि यार पीछे से एक और गाड़ी जो है वो आ रही है, ठीक है। और ये फिर चलती हुई चली गई, वापस यहाँ पर गई एंड घूमी और ये उड़ती हुई वापस यहाँ आके पहुँची और फिर मज़े से उसने वापस अपना साइकिल कंप्लीट किया। तो आगे के जितने एनिमेशन होंगे, क्योंकि बेसिकली ये गाड़ी हमारी हिसाब से घूमती रहेगी डिपेंडिंग ऑन हाउ वी बेसिकली वांट टू शो विद दैट। अब इसी के बरक्स मुझे एक और गाड़ी दिखानी है कि जब फॉर एग्जांपल ये गाड़ी यहाँ पहुँच रही है, तो दूसरी गाड़ी जो है वो या जब मॉन्स्टर चल रहा था तो उस टाइम तो कोई कार नहीं थी, मे बी ये गाड़ी टर्न होकर यहाँ से रिपीट मोशन में चली जाए, ठीक। तो एक लॉजिक हम ये लगा सकते हैं कि मैं इसी को डुप्लीकेट कर दूं या इसके एनिमेशन को कर्व को डुप्लीकेट करके हम ऑफसेट कर दें, वी कैन डू दैट, बट उसमें फिर अगेन उतनी मेहनत हो जाएगी कि फिर वापस वही हेड एक सर का दर्द है। सो एक गाड़ी हमने ये उठा लेते हैं और इसको फिर हम एक्चुअली इस तर्ज पे एनिमेट कर देते हैं। रिमेंबर हमारे कैरेक्टर था और यहाँ से ये सीन धड़ाम धड़ाम, तो मैं इसको शुरू से यहाँ से दिखा देता हूँ कि ज़ीरो से दिस थिंग वर्क्स विद दैट, क्योंकि जब हम एनिमेशन कॉपी करते हैं तो कैरेक्टर आपकी ये सेम चीज़ एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो इसको भी हम उसी तर्ज पे कर देते हैं कॉपी, कि यहाँ से कार मेरी स्टार्ट हुई और ज़ीरो से एंड हिट एस एंड देन बाय द टाइम इट रीचेस टू फॉर एग्जांपल 40 फ्रेम्स, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, 2 सेकंड्स में गाड़ी मेरी जो थी वो थोड़ी सी यहाँ पहुँची, प्रेस एस, 1000 पे मैं नहीं काम करना चाह रहा, टाइम लाइन को हमने कम कर दिया, इसको वापस फ्रेम इन कर दिया एंड आई जस्ट वॉन्ट के जब 40 से 50 और 60 पे 50 पे गाड़ी पहुँची
तो अब थोड़ी सी इस गाड़ी का मोशन हम फास्ट कर देते हैं, सारी गाड़ियाँ एक ही स्पीड से मूव नहीं होनी चाहिए ना, तो इसको थोड़ा सा हमने यूं करा दिया एंड डब्ल्यू से इसको हमने इधर रखा। एस 60 पे जब पहुंची तो गाड़ी आपकी आगे इधर और थोड़ा सा यूं, ठीक है। तो बेसिकली दो की फ्रेम्स में हमने इसको ट्विस्टिंग वाला इफेक्ट दिया, ये टर्निंग वाला। जब 60 से पहुंची तो 90, 100, 110, 60, 60, 120, 120 फ्रेम्स मीन्स तकरीबन 60 एंड देन 140, 60, 60, 120 और 70, 80, ठीक। जब 140 पे पहुंची तो ये गाड़ी आपकी वापस यहाँ पे चली जाए, और उसके बाद 50 फ्रेम्स पे उसने जो था वो रोटेट मार देना है इस तरफ, क्योंकि हाँ क्योंकि उसके बाद जो था ना ये कैरेक्टर आ रहा है, तो मुझे इस कैरेक्टर के पाँव के ऊपर गाड़ी नहीं दिखानी, और ये ऑटो मूव है। तो 50 पे जाके गाड़ी आपकी जो थी वो यहाँ से और रोटेट हो जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। एस और 160 पे ये गाड़ी इधर आ गई, ठीक है। एस और फिर 60, 70, 80, 20 और 200 एंड ऑलमोस्ट 220 पे, ठीक है, क्योंकि 20-20 फ्रेम्स का साइकिल था, तो गाड़ी आपकी जो थी वो यहाँ पहुँच जानी चाहिए। तो ये आया, इसने आके यूँ साइकिल टर्न मारा और गाड़ी यहाँ पे चली गई, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट कैमरा व्यूज़ होंगे उसमें हमें गाड़ी मूव होती हुई नज़र आएगी। जब 220 पे पहुंची तो 230, 241 सेकंड के बाद गाड़ी जो थी वो उसने वापस टर्न मारा, ठीक, और वो एक्चुअली इधर गई। अगेन एक चीज़ ख्याल ये रखने के, पता चला गाड़ी वापस रिवर्स भी इसी तरह होती है, तो हमें दिखाना है कि गाड़ी एक्चुअली घूम के कहीं और से आ रही है। तो कहीं और से आने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल वो एक सेकंड में यहाँ पहुँची, और ये वो व्यू है जो हमारे व्यू पॉइंट को बिल्डिंग्स के पीछे होगा तो नज़र नहीं आएगा। तो मैंने इसको सेटअप कर दिया 250 पे, गाड़ी जो थी मेरी बल्कि इसी तरह से एक सेकंड के अंदर ही गाड़ी जो है वो हमारी यहाँ पे पहुँच जाए। कुछ इस तरह से, ठीक है। एस तब हुआ ये कि और ये गाड़ी एक्चुअली हवा में कंटिन्यूसली, ठीक, ट्रांसलेट बाय इसका जो है वो कंटिन्यूसली हवा में था। तो इसको अभी हम सेट करते हैं, सबर करो, इसको एस कर दिया। सो व्हाट दैट शुड एक्चुअली मीन कि नाउ मेरी कार जो थी वो यहाँ से निकली, इधर गई, ये दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को हलवाई किया, इसने टर्न किया, जब 220 पे पहुंची तो बिल्डिंग से गायब हो गई और बिल्डिंग के पीछे से ही ये रोटेट होती हुई यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ये मोशन नज़र नहीं आएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी हमें यहाँ से निकल के वापस सीधा यूँ जाते हुए मिलेगी, और फिर वापस ये साइकिल अपना जो है यहाँ से इस तरह से कंप्लीट करेगी। तो इसको हमने उठा के यहाँ पे रखा। अगेन अब ये हवा में गाड़ी, मैं बाद में बताता हूँ कि अगेन हम ग्राफ एडिटर से इस कर्व को कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये जो 520, 60, 70, ये हुआ 20 फ्रेम्स, और 20 से 40, 80, सॉरी, इसको 20-20 का साइकिल वापस लाते ना यार, दरअसल मुझे भी हिसाब किताब आसान होता, अभी दिमाग नहीं चल रहा। तो ये 20, ये 20 और ये समझो 40 सेकंड, 2 सेकंड, 3 और तकरीबन 300 फ्रेम्स तक गाड़ी जो थी मेरी वो यहाँ पर आई, 310 फ्रेम्स तक गाड़ी सामने से गुजरी, प्रेस एस, और फिर एक और फ्रेम में गाड़ी स्ट्रेट गई, इनफैक्ट 360 तक गाड़ी हमारी यहाँ से चली गई, दिस इज़ गुड, ठीक। और फिर आगे का जो मोशन था, फॉर एग्ज़ाम्पल 360, 380 के अंदर जो गाड़ी है मेरे वापस इस पोज में आ जानी चाहिए, 60, 70, 80, तो यहाँ से हम इसको वापस एक क्विक सा यू टर्न करा देंगे। ठीक है, ताकि गाड़ी जो हमारी है वो वापस उसी ही पोज में आ जाए जहाँ से उसने शुरू किया था। इनफैक्ट उसकी वैल्यूज़ को हम ज़ीरो करते हुए मैन्युअली गाड़ी को यूं कर देंगे,
ठीक है, तो वो गाड़ी हमारे पास यूं हो गई, प्रेस एस, तो अब ये चीज़ आपकी इस तरह से बनी। गुड, तो गाड़ी आई, इधर आई, ये व्यू पोर्ट से गायब हो गई और उसने यहाँ से आके कलाबाजी खाई और ये क्लिक, और फिर कैमरा से होपफुली अगेन वी वुड मेक श्योर कि ये चीज़ आपके कैमरा में नज़र ना आए, अगर आ रही है तो हम हटा देंगे, और फिर इस साइकिल को वापस यहाँ से कंप्लीट करना है, तो गाड़ी मुझे लगेगी वापस इस तरफ से जा रही है, इस तरह से परफेक्ट। तो सेम प्रिंसिपल इसके साथ भी ये करेंगे कि हम इसके स्पेस बार अगर मैं प्रेस करूँ तो ग्राफ एडिटर आ गया। तो पहले सबसे पहले गाड़ी के ट्रांसलेट वाई को डील करते हैं। रिमेंबर हमने कहा था कि गाड़ी जो हमारी वो हवा में है, तो इफ़ आई कम बैक एट ज़ीरो फ्रेम्स, तो ज़ीरो में ये भाईजान हमारे हवा में चले गए। ठीक, आई वुड गो इन टू दिस, क्लिक ऑन दिस बटन ताकि फ्रेम सेलेक्ट हो जाए, इसको उठाया और इसकी वैल्यू 8 थी, यहाँ पे आके हमने 0 कर दिया, तो गाड़ी ऑलमोस्ट नीचे हो गई। देन W, और फिर इसको थोड़ा सा मूव करके देखेंगे कि यार गाड़ी क्या वैल्यू मुझे कहाँ पे चाहिए, जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमारी बैटरी है वो ये वाली बैटरी है 0 पे, ट्रांसलेट Y 4 पे एक्चुअली बैटरी है। ठीक, हमने यस ट्रांसलेट Y, तो यहाँ पे आके एक्चुअली इसको हमने एस प्रेस कर देना है ताकि उसकी वैल्यू जो थी वो 4 पे सेट हो जाए। अब क्योंकि ट्रांसलेट वाई एक ऐसी चीज़ है जो हाइट को कंट्रोल कर रही है, तो ये कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट एंड क्लिक एंड डिलीट ऑल दीज की फ्रेम्स। ठीक, इससे क्या होगा कि उसकी की वैल्यू एक ही सेट होगी एंड मेरी गाड़ी रोड पर चल रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू रोड सेम ही एक ही हाइट पर है तो डिलीट नहीं हो रहा, तो मुझे की फ्रेम रखने की जरूरत नहीं, मैंने सारी की फ्रेम्स उसकी उड़ा दी। नाउ इफ आई कम एंड चेक, तो इट वुड शो कि मेरी गाड़ी यहाँ पे गई, इधर गई, यूँ घूम कर आ रही है, टर्न, फिर वहाँ से टर्न मारा, इधर से गाड़ी आई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से टर्न मारा एंड देन यहाँ पे आकर रुक गई। सो सेलेक्ट द कर्व अगेन, मेक श्योर कि हमने मेन नोड को सेलेक्ट करें ताकि तमाम कर्व्स उसके हमारे पास आ जाए, फिर सेलेक्ट कर्व में गए, पोस्ट इन्फिनिटी में गए, इस भाईजान को भी हमने साइकिल मार दिया। सो वॉट दैट शुड नाउ मीन कि इफ आई गो बैक, हिट प्ले, तो ये गाड़ी यूँ गई, इसने टर्न मारा, वहाँ से अलग गाड़ी आ रही है एंड देयर वी गो, तो उसने उधर से जाके यू टर्न उधर किया, वो गाड़ी उधर गई। तकरीबन दोनों की स्पीड्स एज यू कैन नोट के ऑलमोस्ट सेम है। अगर हमें लग रहा है कि बहुत स्लो मूव हो रही है तो फिर वी कैन कंट्रोल दैट लेटर ऑन, हम इसको फिर और स्पीड कर देंगे, लेकिन मैं फिर स्पीड को एक्चुअली जब फाइनल एनिमेशन हम देखेंगे तब उसके बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि कैरेक्टर की स्पीड कैसे थी और गाड़ी की स्पीड कैसी है, अगर फास्ट है स्लो है तो हमें उसको स्केल डाउन करना होगा, स्केल अप करना होगा, वी कैन डू दैट। सो नाउ वी हैव अ सिंपल ट्रैफिक गोइंग ऑन इन आवर सीन। इसी तरह से फाइनली जो हमारे पास एक और चीज़ रहती है वो मोशन कर्व के हिसाब से भी मैम कर देते हैं, तो आई कैन गो इन टू क्रिएट एंड वी कैन क्रिएट अ सी वी कर्व टूल, सॉरी क्रिएट कर्व टूल और ई पी कर्व टूल बना लेते हैं। ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, क्योंकि गाड़ी है, टर्न मारना है, आई विल जस्ट गो विथ फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री लीनियर कर्व, दैट शुड डू फॉर इन फॉर मी, एंड फिर हम इसको कर्व बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो ये गाड़ी मेरी बनेगी इसको हम किस तरह से दिखाना चाहें, सेम थिंग आई गेस, एक कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, वो यहाँ से आया, एक कर्व इधर गया, ओके बैक स्पेस, इधर कर्व और इधर कर्व, दैट शुड सॉल्व, नोप, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, एक कर्व हमारे पास आ जाएगा इधर, एक कर्व आ जाएगा इस तरह से, तो दैट शुड गिव अ नाइस टर्न, एंड फिर वो एक कर्व इधर गया, एक कर्व इधर आया, एक कर्व इधर आया, एक कर्व इधर आया, एंड उस कर्व को फिर हम अगर चाहें तो बैक स्पेस, बैक स्पेस, यहां से यहां तक लेकर आ गए, बैक स्पेस यहां तक, और फिर सीधे से कर्व जो हमारे क्यों खराब हो रहा है, होना नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ठीक, एंड फिर एक कर्व इधर आ गया और उसको फिर हम उठा के इधर ले जाएंगे, एंड देन सिमिलरली ये पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ तक, और फिर इस पॉइंट को इधर तक, इस पॉइंट को इधर तक, एंड इस पॉइंट को जहाँ शुरू किया वहाँ ख़त्म,
Let's have that. So for example, ये मेरे पास एक पाथ बन गया गाड़ी का. What now I do is क्या सेलेक्ट वन कार, फॉर एग्जाम्पल ये येलो या ये ट्रक उठा लेते हैं और शिफ्ट क्लिक किया पाथ के ऊपर, एनिमेशन के अंदर चले गए और यहाँ पे होपफुली कहीं ना कहीं मोशन पाथ का हमारे पास ऑप्शन होगा. कंस्ट्रेंट्स मोशन पाथ्स, ठीक है. यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, अटैच टू मोशन पाथ, फ्लो ऑब्जेक्ट्स और फॉर एग्जांपल सेट मोशन पाथ की, अगर आपने की फ्रेम्स चेंज करनी है. ये मोशन पाथ सेट करने के बाद हम उसके रीडिंग करते हैं. उससे पहले अटैच टू मोशन पाथ करते हैं. फ्लो पाथ बेसिकली अगर कि सर्फेस के ऊपर जो पाथ है उनको फ्लो के लिए यूजली हम इस्तेमाल किया जाता है. फॉर दिस आई विल जस्ट यूज दैट. एडिट रीसेट सेटिंग्स, स्टार्ट एंड एंड फ्रेम कौन सी होनी चाहिए, सो आई विल से वन. एंडिंग फ्रेम जो है मेरे पास वो फॉर एग्जाम्पल, एंडिंग फ्रेम का मतलब ये कि वो वन इस कर्व से स्टार्ट करेगा और ये पूरा मोशन कंप्लीट करने में उसको कितनी देर लगे. तो अगर आपने 30 कर दिया तो 30 सेकंड में ज़िप गाड़ी आपकी घूम के वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगी, जो कि एक्चुअली बहुत कम है. मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉर एग्जांपल हम इसको 300 फ्रेम्स का साइकिल दे देते हैं कि पूरे 300 फ्रेम्स एटलीस्ट उसको लगें, जो कि भी बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल 400 कर लेते हैं, क्योंकि अगेन 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी मूव हो रही है. तो 300 पे रखते हैं, अगेन वी कैन बाद में एडिट कर सकते हैं इसको. ट्रक है तो एक्चुअली इसको और 300 पे ही रखते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा साइकिल है और उसको हम रिपीट करते हुए दिखाना चाह रहे हैं. तो वी वुड डू दैट. पैरामेट्रिक कर्व वगैरह वगैरह फॉलो मींस कि वो कर्व डायरेक्शन को फॉलो करे. अगर कर्व टर्न हो रहा है तो आपके ऑब्जेक्ट भी टर्न होगा. समटाइम्स दिस इज नाइस, समटाइम्स दिस इज नॉट, बट ये प्रेडिक्शन मुझे एक्चुअली अंदाजा नहीं होता. हम प्लेबैक करके फिर चेक करते हैं और ये सेटिंग्स हम बाद में एडिट ऑब्वियसली कर सकते हैं. तो वी वुड बी गोइंग इन टू दैट एंड सीइंग कि यार इसकी सेटिंग्स कैसे हो. इसमें एक और चीज़ थी कि ऑफसेट हमें करना है फिलहाल कि नहीं करना, फिलहाल नहीं करना. सो जस्ट लेट इट कीप इट दैट, क्लिक ऑन अटैच एंड वॉट दैट शुड डू इज इफ एवरी थिंग गोज गुड वी वुड हैव अ कार अवेलेबल दैट इज अटैच विद दैट थिंग एंड यू कैन सी दिस कि वो हमारे पास कुछ इस तर्ज पे मूव कर रही है, विच इज कम्प्लीटली नॉट वैल्यूड. ओके, इफ आई गो इन टू इट्स एट्रीब्यूट एडिटर और हम मोशन पाथ को जाके एडिट करें, मोशन पाथ, तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी. तो फॉलो अगर मैं हटा दूं, एंड नाउ इफ आई गो बैक, हिट प्ले, हैंग ऑन, ये उसके ऊपर क्यों नहीं गया. पैरामेट्रिक लेंथ फॉलो होना चाहिए एंड ये फॉलो क्यों नहीं कर रहा. इनवर्स फ्रंट, इनवर्स अप, एक्स वाई जेड, फ्रंट ट्विस्ट, अप स्विट, बात की बातें. सीन अप ऑब्जेक्ट वेक्टर अलग चीज़ है. एग्जैक्ट उसके ऊपर होना लाजमी था, ये क्यों नहीं हो रहा. ऑब्जेक्ट नहीं रखा उसके ऊपर, इसीलिए ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहा है. ओके, हैंग ऑन, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड. उसूलन ये होना नहीं चाहिए था, पर आई एम श्योर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया मैंने. बहरहाल तो इस ऑब्जेक्ट को उठाया, मेरे हिसाब से इसको वापस हम ले गए इस गाड़ी के पाथ के ऊपर, एटलीस्ट जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर इसको हमने रखा और इसकी हमने ज़ीरो वैल्यूज़ यहाँ पर सेट कर दी. ओके, एंड नाउ इफ आई गो इन टू इट्स मॉडिफाई, इसको वैल्यूज फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं हम ताकि वैल्यू 0 0 हो जाएं. नाउ सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट द पाथ, गो इन टू योर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में था, कंस्ट्रेंट्स में था, कंस्ट्रेंट्स, मोशन पाथ, मोशन पाथ, ऑब्जेक्ट बॉक्स, सेम थिंग, वन से स्टार्ट करो, 300 पे एंड करो, फॉलो करो. फ्रंट एक्स वाई एक्सिस एज अ सेट मुझे पता नहीं चलता, मैं बाद में एडिट करता हूँ. यहाँ पे यूजली एक ऑफसेट वगैरह ऑप्शन हुआ करता था, आई थिंक वो शायद गायब कर दिया उन्होंने या वट एवर द केस, हमने अटैच कर दिया. दिस टाइम गाड़ी स्ट्रेट या डायरेक्शन उसका चेंज हो गया डिपेंडिंग ऑन हाउ इट स्टार्टिंग, एंड ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो कर्व को पता नहीं कहाँ से फॉलो अप कर रही है. ओके, सो दैट सिंपली डन. अब यहाँ पे आ जाते हैं और सम हाउ दिस टाइम अब डायरेक्शन भी इसकी सेट है, लेकिन वो जो पाथ है वो सेट नहीं हुआ. ये क्यों नहीं हुआ सेट, कर्व की वजह से. मॉडिफाई सेंटर पिवट, इस वजह से कि कर्व मेरा बहुत छोटा था या ऑब्जेक्ट छोटा. ओ सॉरी यार, ये होना तो नहीं चाहिए, तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फनकारी थी. दैट्स नॉट डन, ठीक है. सीधे ऐसे कुछ कभी कभी मसले आ जाते हैं, माया अपनी तरह से काम करता है. ओ भाई चल जाए यार.
परस्पेक्टिव एफ और इसको वापस यहाँ पे लाके रखा, उसूलन तो इसके साथ अटैच होनी चाहिए थी और ये मूव हो रही है और सम हाउ एक्चुअली ये मूव भी हो रही है. प्रॉब्लम ये कि ये गाड़ी और इस पर अटैच सही से नहीं हुई. इफ़ आई कम इन टू मोशन पाथ तो ये मोशन पाथ है एंड ट्विस्ट ये तो अलग चीज़ें हो गई. एट्रीब्यूट एडिटर में आ गए तो मोशन पाथ का कर्व हो गया, फॉलो करता है उसको वो ठीक है. वर्ल्ड टाइप सीन अप कर देते हैं, लेट्स सी इफ दैट वर्क्स फाइन. नोप. ऑब्जेक्ट अप. नोप. ऑब्जेक्ट रोटेशन अप. ठीक है, इससे एक्चुअली हम उसकी ओरिएंटेशन को ही कंट्रोल करते हैं कि उसका वेक्टर कौन सा है. बाकी सब तो ठीक है. सम हाउ ऑब्जेक्ट और कर्व के जो वैल्यूज़ हैं वो सही से मैच नहीं हो पा रही हैं. सो यू कैन सी दिस कि गाड़ी तो मूव हो रही है लेकिन वो कर्व के ऊपर नहीं हो रही, समथिंग लाइक दैट. इसी तरह से इन्वर्स अप, अगर गाड़ी आपकी उल्टी नीचे तो यहाँ से भी आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हमने अटैच किया और कर्व की डायरेक्शन उल्टी हो गई तो यू कैन यूज़ दैट. इन्वर्स फ्रंट फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्शन मुझे इस तरफ से चाहिए थी, गाड़ी उधर चली गई तो वी कैन यूज़ दैट एज वेल. फ्रंट एक्सिस एक्स वाई जी आपकी कौन सी है, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल दैट विद रिस्पेक्ट टू द कर्व एंड एवरीथिंग विद गोज वेरी नाइसली विद दैट. बट बैंक बैंक लिमिट, आई डोंट नो व्हाट दैट बेसिकली मींस. इसका मुझे नहीं पता ज़्यादा. पैरामेट्रिक लेंथ कि पूरी लेंथ के ऊपर जाना है पैरामेट्रिक के हिसाब से, लेकिन गाड़ी उसके हिसाब से क्यों नहीं मूव हो रही. लेट मी सेलेक्ट दैट. फॉर एग्जांपल मैंने ये गाड़ी उठाई, ये बस उठाई, ठीक है, और इसके चैनल बॉक्स में चले गए, वैल्यूज़ इसकी सब चीज़ें ठीक हैं. मॉडिफाइज एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एंड देर इज़ नो सच नोड अवेलेबल एज वेल. इस बस को भी उठाया और मैंने यहाँ पे ही ला के रखा, कर्व सेलेक्ट किया. अब मोशन पाथ का ये कि आप एक ही पाथ के ऊपर फिर अगर आप पाथ बना दो तो उस पर मल्टीपल गाड़ियाँ अटैच कर सकते हो और हर गाड़ी की एक्चुअली टाइमिंग हम ऑफसेट कर सकते हैं ताकि हर किसी के, क्योंकि नोड अलग अलग हमारे पास हो जाती है तो वी कैन डू दैट एज वेल. फिर मतलब बार बार आपको कर्व बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक तो चले पहले यार, ये तो होना तो चाहिए. एक मिनट. अटैच टू ऑब्जेक्ट. टाइम स्लाइडर 300 फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कहता हूँ कि 250 फ्रेम्स में कंप्लीट करे और फिर हम वेक्टर और अप वेक्टर और उसकी स्टार्ट और एंडिंग फ्रेम को जो था वो चेंज कर देंगे कि ये जो है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 50 से स्टार्ट हो और 350 तक जाए तो वो वहाँ 1 से स्टार्ट होगा, ये उस डिफरेंट फ्रेम से स्टार्ट होगा. एंड सी दिस, दोनों एक्जैक्टली एक्चुअली सेंटर पर आ गए फॉर वॉट एवर रीजन्स का, मतलब ये दोनों जो गाड़ियाँ आपकी ऑलमोस्ट सेम. अब थोड़ा सा बिहेवियर यू कैन नोट कि डिफरेंट है लेकिन ये उसी तरह पर जा रहा है, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए थी. कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, डिस कंट्रोल दैट. फाइनली लेट मी चेक, डू वन मोर थिंग. ऑब्जेक्ट, लेट मी क्रिएट अ क्यूब और लेट मी सी कि ये जो मसला है वो किसका मसला है. ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल क्यूब एंड इफ आई क्रिएट अ क्यूब यहाँ पे, ठीक है, और इस क्यूब की मैंने लेंथ छोटी कर दी तो ये मेरे पास मेरी गाड़ी आ गई. शिफ्ट सेलेक्ट किया, कर्व को कंस्ट्रेंट में गए, मोशन पाथ और मैं इसको बना रहा हूँ क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है और शायद मे बी और साइज स्केलिंग. तो मैंने अपने तर्ज पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, अपना नया कर्व बनाया, क्रिएट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट, हिट अचैट दैट वी गो सी दिस. तो ये एग्जैक्टली स्नैप हो गया कर्व के ऊपर एंड नाउ इफ आई गो बैक तो ये हमें स्टार्ट होगा और हमारा जो बॉक्स है परफेक्ट. इसका मतलब जो ज्योमेट्री हमने इंपोर्ट की थी गड़बड़ उसकी है मेरे भाई. तभी मैंने कहा कि एक्चुअली मोशन पाथ आपका बिल्कुल सही चलना चाहिए. सम हाउ ये मोशन पाथ आपका गाड़ी की वजह से जो था वो प्रॉब्लमेटिक में आ रहा है, ठीक है. इसको मैंने डिलीट कर दिया. इसका मतलब हमारा पाथ सही है, लॉजिक सही है, गाड़ी का जो ऑब्जेक्ट है ये किसी तर्ज पे जो है हमारे पास एडजस्ट नहीं हो पा रहा इसके साथ. तो लेट मी डू दैट चेक और फिर मैं आपको वापस आई विल गेट बैक टू यू कि इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं.